जब हम कहीं ऑटो से जाते हैं तो आपको फर्स्ट 2 किलोमीटर के 25 रुपीज देने होते हैं, बाकी हर 1 किलोमीटर के 9 रुपीज एडिशनल देने होते हैं। सपोज हम अगर कहीं 17 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? कंफ्यूज हो गए ना। सपोज आज आपकी सैलरी 17,000 रुपीज है और एवरी ईयर आपकी सैलरी 500 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आपकी सैलरी 27,000 रुपीज होगी? तो ये सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्या हमारे पास कोई इजी सा ऐसा फॉर्मूला है जिनमें आप इन सारे क्वेश्चंस के आसान, बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से आंसर दे सकें? हाँ जी बिल्कुल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको ऐसे सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के आंसर बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। This is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू करते हैं। सपोज मैंने लिया 7, फिर मैंने लिया 10, फिर मैंने लिया 13, फिर 16, फिर 19 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा सपोज ये जो आपकी फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट नंबर है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 से डिनोट करेंगे। ये है आपकी सेकेंड टर्म, जिसको हम A2 से डिनोट करेंगे। ये है आपकी थर्ड टर्म, जिसको हम A3 से डिनोट करेंगे। ये है आपकी फोर्थ टर्म, जिसको हम A4 से, और इसको A5 से डिनोट करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में भी कोई नंबर आएगा और उस नंबर को हम AN से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? AN से। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है या फिर सीरीज ऑफ नंबर्स है? अब हमें ये चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है। पहले तो आप ये समझिए कि AP होती क्या है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लीजिए जिसको हम बोलेंगे A1, ठीक है, और पर्टिकुलर नंबर क्या है? 7। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया 3 और इस 7 में 3 ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो ये है आपका A2, सेकेंड नंबर आपको कैसे मिलेगा? अगर आप इसमें क्या ऐड कर दें? 3। फिर अब ये जो नंबर आया है इसमें अगर आप 3 और ऐड कर दें तो आपको मिलेगी थर्ड टर्म। अब ये जो नंबर आया है इसमें अगर आप 3 ऐड कर दें तो आपको मिलेगी फोर्थ टर्म, और अगर इस नंबर में आप 3 और ऐड कर दें तो आपको मिलेगी फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली एपी क्या होता है कि किसी भी एक फिक्स नंबर में कांस्टेंट नंबर ऐड करते रहिए, ठीक है। तो फिर जो आपको सीरीज मिलेगी या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपी। अच्छा, जो पहला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर होगा उसको बोलेंगे सेकंड टर्म, थर्ड नंबर होगा उसको बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। और जो लास्ट में नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे nth टर्म। मान लीजिए 15th नंबर पे लास्ट नंबर आया तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 15th टर्म। अगर लास्ट नंबर हमारा आया 25 नंबर पे तो ये हमारी हो जाएगी 25th टर्म। तो हम n को हटाकर क्या पुट कर देंगे? 25। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये। अच्छा, अब वो आपसे ये, सपोज आपको ये दे दिया गया है और वो आपसे पूछेंगे बताइए कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, चेक वेदर दिस इज एन AP और नॉट। हमें ये चेक करने के लिए कि ये AP है या नहीं है हमें क्या करना होगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? आप निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2, फिर कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। अगर इन सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन आता है, सेम आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है? 10। माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3। फिर A3 क्या हमारा? 13 माइनस A2 की वैल्यू, देखिए ये है A3 और ये क्या है? A2। आंसर कितना आ रहा है? 3। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है जरा देखिए? 16 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा? 3।
फिर देखिए जरा A5 क्या है, A5 है 19 माइनस A4 की वैल्यू कितनी है 16, तो यहां पर भी कितना आ रहा है। तो आप देखिए कि एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, देयरफॉर दिस इज एन एपी। तो आप लिखोगे कैसे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम और कॉमन, देयरफॉर दिस इज एन एपी। तो अगर एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो आपसे ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ये एक एपी है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3 एंड A5 माइनस A4, इस तरीके से। और इन सभी का डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो वो एक एपी हो जाएगी। यहां पर भी तो देखिए हमने हर बार क्या ऐड किया है, 3, 3, 3, 3, तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, 3, 3, ठीक है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। तो एपी और नॉट ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जरा बताइए भाई। ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी सेकेंड टर्म, ये है हमारी थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म और ये है फिफ्थ टर्म। हमें बेसिकली ये देखना है कि ये एक एपी है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, भाई इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दो, फिर A3 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर A4 माइनस A3, फिर A5 माइनस A4। अगर इन सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। देखते हैं जरा A2 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस A1 की वैल्यू कितनी, देखो जरा A2 माइनस A1, A1 की वैल्यू कितनी है 10, आंसर कितना आ जाएगा जी -5, ठीक है। A3 देखिए जरा, A3 की वैल्यू है 0 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5, आंसर कितना आ जाएगा -5। A4 की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, A4 की वैल्यू है -5, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 0, आंसर अभी भी कितना आएगा -5। A5 की वैल्यू कितनी है -10 और फिर आएगा माइनस, और A4 की वैल्यू क्या है -5, तो यहां पर दो बार माइनस आएगा, तो -10 -, +5, आंसर कितना आ गया -5, ठीक है। तो सिंस द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉमन, देयरफॉर दिस इज एन एपी, ठीक है। तो बेटा ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को बेटा हम डी से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं जरा देखिए, अभी हमने निकाला था A2 माइनस A1, मतलब 2 में से 1 को माइनस करना है, फिर कैसे निकालते हैं A3 माइनस A2, फिर कैसे निकालते हैं A4 माइनस A3, मतलब जो भी यहां पर उससे एक कम, इसका मतलब जो भी यहां पर है उससे एक कम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है किसका, डी का, या फिर कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an माइनस 1, ठीक है। तो n क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पे फिक्स नहीं है कि आप A3 माइनस A2 लेंगे, A4 माइनस A3 लेंगे या फिर A2 माइनस A1 लें, आप कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी डी निकालना होगा आप हमेशा क्या करेंगे, A2 माइनस A1, कब, जब आपको एपी गिवन होगी, मतलब वो खुद क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये एक एपी है। अगर ऐसा उन्होंने बोल दिया तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए, आइए देखते हैं कि कब एपी फॉर्म नहीं होगी।
तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी, जैसे कि यहां पर जीरो था तो मैंने थ्री लिख दिया, यहां पर माइनस फाइव था तो मैंने माइनस वन लिख दिया। अब देखिए जरा, वो कहेंगे चेक वेदर दिस इज एन एपी और नॉट, तो ए टू की वैल्यू कितनी है फाइव, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है टेन, आंसर कितना आया माइनस फाइव। फिर देखिए ए थ्री की वैल्यू कितनी है थ्री, माइनस ए टू की वैल्यू कितनी है फाइव, आंसर आया माइनस टू। तो अब आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो आगे तो देखने की जरूरत है ही नहीं। तो आप लिखोगे सिंस ए थ्री माइनस ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, हैंस दिस इज नॉट एन ए पी। अगर डिफरेंस सेम आता तब तो ये एपी होती, अदरवाइज नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एपी में जो नंबर्स हैं, जो सीरीज है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल फ्रैक्शन कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, वैसे तो होल नंबर। भाई यहां पे हो सकता है कि एक भी टर्म ना हो, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि यहां पे कोई भी नंबर लिखा ही ना हो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मैं बाकी सब कुछ हटा दूं, एक टर्म लिख दूं, तो यहां पर एन की वैल्यू हो जाएगी वन। अगर मैं टू टर्म्स ले लूं तो एन की वैल्यू हो जाएगी टू, थ्री ले लूं तो थ्री टर्म्स हो जाएंगी। तो एन की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, एन की वैल्यू कभी भी रूट में नहीं होगी। तो एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स को आप गिनोगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहां पे छोटा बड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप जिस स्कूल में या घर में जहां रहते हैं वहां पे कितने लोग हैं, तो लोग छोटे बड़े हो सकते हैं, मोटे पतले हो सकते हैं, ठीक है, एज में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जब भी आप गिनेंगे तो आप गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरीके से गिनकर बताएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी एपी। अब दो तरीके के क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जरा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले टू टाइप के क्वेश्चंस, और कुछ छोटी मोटी बातें और रह गई हैं, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे कहेंगे चेक वेदर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी और नॉट, तो आपको ये देखकर बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आपको बेसिकली क्या निकालना है, ए टू माइनस ए वन, फिर ए थ्री माइनस ए टू, फिर ए फोर माइनस ए थ्री, क्योंकि फोर ही टर्म्स तो हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ए टू की वैल्यू कितनी है 10, ए वन की वैल्यू कितनी है 4, आंसर आया 6, ए थ्री की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 16, माइनस ए टू की वैल्यू कितनी है 10, आंसर अभी भी कितना आ रहा है 6, ए फोर की वैल्यू कितनी है 22, और ए थ्री की वैल्यू कितनी है 16, आंसर कितना आ रहा है 6। तो आप देख सकते हो सभी का डिफरेंस क्या है, सेम, देयरफॉर दिस इज एन एपी, ठीक है। अब वो ये भी बोल सकते हैं राइट नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ इट, तो नेक्स्ट टू टर्म्स भाई इसमें आप 6 और ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, इसमें और 6 ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है वही ऐड करते रहिए। ये देखिए, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए a1 जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो एक्चुअली a के बराबर ही होती है, आप फर्स्ट टर्म को a लिखें या a1 लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 5। सेकंड टर्म आपको कैसे मिलती है, अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो आ जाएगा 7, ठीक है। थर्ड टर्म आपको कैसे मिलेगी, अगर आप सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 9। आपको अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप क्या कीजिए, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 11। तो एपी क्या बन गई, एपी बन गई 5, 7, 9, 11।
अच्छा, ये जो एपी ऐसे चलती ही जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी. क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और सपोज यहां कहीं लिखा हुआ है 51, तो एपी यहां पर आकर एंड हो जाएगी, तो ऐसी एपी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी. मतलब जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट एपी, जिसमें लिमिटेड होंगे, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगी? हमारी फाइनाइट एपी. ठीक है, ये देखिए. अच्छा, एक एपी को फॉर्म करने का वे है कि किस तरीके से आप फॉर्म करते हो. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होती क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे. मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, ये रब नहीं करूंगा, आप पहले ये नोट कीजिए. आइए देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे. क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म ही लिख दीजिए. ठीक है, अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो आपको फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा. क्या डी? क्या ऐड करना पड़ेगा? डी, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का. तो ए वन आप लिखे ना लिखे एक ही बात है. तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, जरा देखिए. थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में अगर आप कॉमन डिफरेंस या डी ऐड कर दें, तो ये जो डी दिया हुआ ना वो कॉमन डिफरेंस है. यहां पे जैसे उन्होंने बोला कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये है आपकी फर्स्ट टर्म और ये जो डी दिया हुआ वो कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, अच्छा, तो थर्ड टर्म आपको कैसे मिलेगी, अगर आप सेकेंड टर्म में, अगर आप सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दें. क्या ऐड कर दें? सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर दें? डी. अब जरा सही से देखिए, सेकेंड टर्म तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं. कितनी? सेकेंड टर्म तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज ए प्लस डी. ये तो देखिए सेकेंड टर्म की वैल्यू है, ये वाला डी अभी भी एक्स्ट्रा है. तो थर्ड टर्म क्या आई, जरा देखिए, ए प्लस टू डी. क्या आई? ए प्लस टू डी. अब जरा ध्यान देना, थर्ड टर्म कैसे आई? ए प्लस टू डी. सेकेंड टर्म कैसे आई? ए प्लस वन डी. फर्स्ट टर्म कैसे आई? ए प्लस जीरो डी. मतलब यहां पर जो भी है उससे एक कम. फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? ए प्लस जीरो डी. जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो को जब आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म विल बी ए. सेकेंड टर्म क्या आएगी? ए प्लस वन डी. थर्ड टर्म क्या आएगी? ए प्लस टू डी. तो अब आप बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि फोर्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस थ्री डी. फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन. अगर आपसे कोई पूछे nth टर्म क्या होगी, तो ए प्लस, देखिए जो भी यहां पर है उससे एक कम. जैसे यहां पे 5 था तो यहां पर 4d आया, जैसे यहां पे 3 था तो 2d आया. तो यहां पर n है तो यहां पर क्या आएगा? n माइनस 1d. मतलब जो भी यहां पर है उससे एक कम. और एक कम कैसे करते हैं? माइनस 1 करके. ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, या फिर जनरल फॉर्म आ गई किसकी? एपी की. और इसको हम बोलते क्या है? nth टर्म. क्या बोलते हैं? nth टर्म. ठीक है, तो बेसिकली अगर वो आपसे बोलेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स लिखिए, तो ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड ये है आपकी फिफ्थ टर्म. ठीक है, तो यहां पर आप ए और डी की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए जरा, अभी इस क्वेश्चन पर दोबारा से आते हैं. इस क्वेश्चन पर दोबारा से आते हैं. मुझे पता था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5. सेकेंड टर्म क्या होती है? अब जरा यहां से देखिए, सेकेंड टर्म क्या होती है? ए प्लस वन डी. तो ए की वैल्यू कितनी है? 5. और डी की वैल्यू कितनी है? 2. आंसर कितना आ जाएगा? 7. ए थ्री क्या होता है? ए प्लस टू डी. ए की वैल्यू कितनी है? 5. 2 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी है? 2. तो 2 2 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9. ठीक है, अच्छा जी, ए फोर क्या होता है भाई? ए फोर होता है ए प्लस थ्री डी. तो ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी है? 2. 3 2 कितना होता है? 6. 6 प्लस 5 कितना होता है? 11. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से, अगर आपको जनरल फॉर्म पता है तो बड़े ही आराम से आप फर्स्ट 3 और 4 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है,
तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। एपी जो है वो आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, जो आप अभी आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। आई होप के समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा का पूरा फंडा एपी का। अब हम अपना डिस्कस करेंगे एग्जांपल वन एंड टू, और क्वेश्चन नंबर वन में आप डेली लाइफ की एप्लीकेशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और इस पूरे चैप्टर की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।